और सीधे आपके लिए चलेंगे, इस वक्त ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हटकर भाजपा अपनी साफ नफरत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से ये दिखा रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाजपा आखिर ऐसा क्यों कर रही है? आपने नुपुर शर्मा पर माफी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक हैं उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं और हर एक की एक फेथ होता है और मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज ही नहीं है हमारे लिए? अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से मुसलमान है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और आप इस तरह की गंदगी अपनी जबान से अदा करते हैं, ये भाजपा की तरफ से इनका एक ऑफिशियली ये कोशिशें की जा रही हैं। और साथ ही साथ वो नहीं देखना चाहते कि तेलंगाना में एक अमन है, तेलंगाना में पिछले 8 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है, हैदराबाद पीसफुल है, इसीलिए आज हैदराबाद का नाम ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। हैदराबाद एक डेस्टिनेशन सेंटर है सॉफ्टवेयर के लिए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए, बड़े बड़े अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अपने अपने सेंटर्स यहां पर खोल रहे हैं। आखिर क्यों ये कर रही है भाजपा? तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बगैर भाजपा के लीडर्स के, बड़े उनके लीडर्स के इजाजत के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती है। तो इसीलिए मैं, जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी, मैं उसका कंडेम करता हूं और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं इस पर अब आप क्या कहेंगे? आपकी ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है मुसलमानों को और भारत की प्लोरलिज्म को, भारत की डाइवर्सिटी को बर्बाद करना। भाजपा को कोई फिक्र नहीं है भारत के सोशल फैब्रिक की, वो तो उसको चुकनाचूर और तार तार करना चाहते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं कि तेलंगाना की सरकार ने फौरन केस रजिस्टर करके उस विधायक की गिरफ्तारी अमल में आई। मैं ये चाहता हूं कि उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी किया जाए और FSL को उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भिजाना चाहिए और किस क्रिमिनल केस को मजबूत बनाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ खानापुरी करने के लिए उनको अरेस्ट कर लिया जाए, बल्कि ये जो अनाप शनाप गंदगी उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब बोली है, ये हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना का हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसे कंडेम कर रहा है।